हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और बेहतर होंगे। BSF ट्रेडमैन जो कि 1450 के लमसम पोस्ट आया था, उसके लिए फॉर्म फिल किया गया था। तो फॉर्म जिनका भी एक्सेप्ट हुआ था उनका एडमिट कार्ड BSF के तरफ से रिलीज कर दिया गया था, मतलब कर दिया गया है, और इसका फिजिकल भी स्टार्ट होने वाला है। तो जैसा कि बिहार वालों का जो सेंटर पड़ा है 61 बटालियन, तो वहाँ पर किस प्रकार से आपको पहुँचना है और कौन सी ट्रेन आपको कितने बजे पहुँचाएगी, सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उनका भी अगर इस सेंटर पर होगा तो उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सकेगा। क्योंकि हमारा इस चैनल का एक ही मोटो है, आपको हेल्प करना, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सोल्यूशन देना। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि उस सेंटर पर किस प्रकार से पहुँचा, क्योंकि बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट को उस सेंटर पर दिया गया है और बहुत काफ़ी कैंडिडेट परेशान ये हो रहे हैं कि मैं उस सेंटर पर कैसे पहुंचूंगा। तो मैं इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, और यकीन मानिए आपको इस वीडियो देखने के बाद उस सेंटर पर जाने के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, सिर्फ एक वीडियो, ये वीडियो देखने के बाद। और दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका फिजिकल 6 तारीख को है या 7 तारीख को है, तो आप घर से एक दिन गैप करके आप एक दिन पहले यानी 2 दिन निकल जाइए पहले, ताकि आप फिजिकल के एक दिन पहले वहाँ पहुँच जाइए और जो भी आपका रूम वूम रहे वहाँ पर आप लोग आसानी से रेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि फिजिकल में क्या होता है ना, बॉडी जब आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, तो बॉडी का मतलब कि सारा पार्ट हिल जाता है, तो आप रेस्ट करते। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक दिन पहले पहुँचिए और वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए तो आपका ठीक रहेगा फिजिकल। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ कि किस तरह से आपको सेंटर पर पहुँचना है और कौन सी ट्रेन आपको सही तरीके से आपको सेंटर पर पहुँचाने में हेल्पफुल करने वाली है। अपने इस एप्लीकेशन पर आ चुका हूँ जहाँ से ट्रेन देखा जाता है, और आप लोग के पास भी ये एप्लीकेशन होगा, सभी लोग के पास ये एप्लीकेशन अवेलेबल होता है मोबाइल में। तो जैसा कि मैंने बताया था 61 बटालियन BSF का कैसे पहुंचना है, तो पहले नंबर आपको पटना जंक्शन 2, देखिए बलूर घाट आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि बलूर घाट जाने के लिए आपको कोई भी सिंगल ट्रेन नहीं मिलने वाला, तो आपको तोड़कर ही जाना पड़ेगा। तो आपको पहले पटना जंक्शन, अगर आप बिहार के हैं तो पटना जंक्शन आना पड़ेगा, और पटना जंक्शन से आपको मालदा टाउन तक आपको जाना है। देखिए इतना सारा ट्रेन चलता है, तो आप लोग का जितना जिस दिन भी फिजिकल हो उसके हिसाब से आप लोग ट्रेन देख लीजिएगा। जैसे मैं एक ब्रह्मपुत्रा मेल लेने वाला हूँ, देखिए अगर आप ब्रह्मपुत्रा मेल को पटना जंक्शन से पकड़ते हैं 2:30 बजे के करीब, तो वह आपको मालदा टाउन 12 बजे के समथिंग पहुंचा देगा, यानी नाइट में पहुंचा देगा वो। उसके बाद मालदा टाउन पहुंचने के बाद आपको वहां से अलग से ट्रेन आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मालदा पहुंच गए, उसके बाद पहुंचने के बाद आपको बलूर घाट आपको जाना पड़ेगा मालदा से, और बलूर घाट जाने के लिए भी ट्रेन चलती है। देख लीजिए इतना जो ट्रेन है बलूर घाट जाने के लिए चलती है, तो आप लोग इसके हिसाब से अपना फिजिकल के हिसाब से ये ट्रेन देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा कि आपको कब ट्रेन पकड़ कर जाने में आसानी होने वाला है। तो देखिए मैं पैसेंजर को क्लिक करने वाला हूँ, देखिए मालदा टाउन बलूर घाट, ये अगर आप 7 बजे बैठते हैं तो आपको 9 बजे पहुंचा देगा, यानी कि टोटल मालदा से
बलूर घाट की डिस्टेंस देखें तो 106 किलोमीटर यानी 106 किलोमीटर पड़ता है। अब बलूर घाट पहुँच गए, इसके बाद सेंटर पर कैसे जाना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग जैसे ही बलूर घाट स्टेशन उतरिएगा, जैसे देखिए यहाँ पर स्टेशन आपको बगल में ही दिख रहा था, तो आपको कुछ दूर जाने के बाद आपको ऑटो या बस अवेलेबल वहाँ से हो जाता है, ठीक है। वहाँ से 13 किलोमीटर या 14 किलोमीटर पड़ता है और ज़्यादा आपको किराया 20 से 30 रुपया लगेगा, तो आपको वहाँ सेंटर पर जाकर वो लोग ऑटो वाला छोड़ देगा। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग बलूर घाट स्टेशन उतरना है, आपको ऑटो लेना है, ऑटो लेने के बाद आपको वो ऑटो वाला छोड़ देगा और किराया आपका 20 से 30 रुपया ले होने वाला है। और अगर डिपेंड करता है कि उस ऑटो वाला कितना मतलब कि बेहतर, कुछ लोग होते हैं ना कि एग्ज़ाम का फ़ायदा उठा लेते हैं, तो अगर उस तरह से हुए तो किराया आपका बढ़ भी सकता है। तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि सेंटर पर किस तरह से पहुंचना है। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं लास्ट में आपको बोल रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो।